तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगी हुई है। मैं गई थी शॉप एंड जितनी भी चीज़ें लाओ ना उतनी कम होती है, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। सो अभी जो है मैं गई थी शॉप और आज है आरुष का बर्थडे। सो मेरी तरफ से आरुष को विश यू हैप्पी बर्थडे। सो आरुष का बर्थडे आज सेलिब्रेट करेंगे, तो चलो आओ दिखाती हूँ आपको कि आरुष का बर्थडे हम किस तरह सेलिब्रेट करेंगे। नमस्कार करावस्ते तुम बसा को वामे गुरुभ्यो नमः। दक्षिणे गणेशाय नमः। पृष्ठे शुत्रबालाय नमः। अग्रे श्रीमन्मः घनाधिपतये नमो नमः। पकड़ा द्रुप भावे तीन बार विष्णु तुसे बोल दो जी। हरि ओम। तसल ज्ञान मासाना मासोत्तम है सिंह मासाना मासोत्तम है कन्यार्के आश्विन मासे भाद्रपद शुक्लाम पक्षे एकादशम म्याम तिथो शुक्रवासर याम नरवाल कुल गोत्रोत्पन्न। क्या नाम है बाबा? यथाशुभोपचारे पूजनम अहम करी शैक्षणिक रूपाण धरती माता पर संकल्प सिद्धिस्तूत्र भगन रूपाण सिद्धा गणपति महाराज पूरा करने लगा उठे गणगणा टिक्का गणपति के धूप देवना गद्यम गुप्तम समर्पयामि गणाधिराजाय नमो नमः। पूर्व ध्रुवताय दो गणपति वले प्रसाद पाय दो न गद्यम न विद्यामि टिक्का पाय दक्षिणाम समर्पयामि सुन लो हाथ जोड़ कर भाव लो प्रार्थना करनी गणपति की पत्र पिंड महंकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा त्रय उपरगो श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। अब श्लोक ग्रह सारी पूजा करे जी। पूर्ण कल शाही नमो नम देव पाणी चित्ता जी। पूर्ण कल देवता भ्यो नमो नम लगा कुंभूष नाम गंध पुष्पता समर्पयामि पूर्ण ढुकरे दो पार को दूसरे न विद्यम न विद्या न विद्या
ग्रामदेवताय नमः कुलदेवता बालकामेश्वराय नमः इष्टदेवताभ्यो नमो नमः क्षणानिं जलं समर्पयामि फूलद्रुद्रदपनग्रामकृष्णप्रसादविचरायदेवे नर्द्यं न विद्यामि सिक्काचरदक्षिणां समर्पयामि ग्रामकृष्णदेवताभ्यो नमः लोपूले लोहाजवले करो ध्यान करना ग्राम कृष्ण ग्राम देवता ग्राम शांति कुल देवता कुल शांति इष्ट देवता सर्व शांति करा भवंतु त्रय दोपहर को अभी दोपहर मोड़ा दो पंच दोपहर बुरा कनि धूप पात्राय नमः गंधर्व देवता भ्यो नमः लगा पुंगु फूल ध्रुव चढ़ाओ गंधर्व देव तिर मोड़ा थोड़ा प्रसाद चाय दो जी नैवेद्यम नैवेद्यामि फूले लोहाजवले करो ध्यान करना ओम वनस्पतिर्सोत भूतो गंधो गंध उत्तम आग्रह सर्वदेवानां धूपहं प्रतिगृहतां धूपपात्राय नमः गंधर्व देवताभ्यो नमो नमः चढ़ाए दे पारा बोले कब देव पाणि चढ़ाए और कहा ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः लगा पुंगुष नानिं जलं समर्पयामि गंधं विलेपयामि सूर्याय नमः चंद्रमसे नमः भौमाय नमः बुद्धाय नमः गुरवे नमः शुक्राय नमः मित्राय नमः रहावे नमः केतवे नमो नमः और फूल ले लो आता प्रार्थना करने हाथ जोड़े करो भावरे ध्यान करना नवग्रह राजी ब्रह्मा मुरारी सिप्रंतकारी भानुसति भूमिसुतो बुधश्च गुरु सुकृतनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु श्रेय दोपहर को नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः अब द्वितीय पंचचा द्वारपाल पुत्र विश्वदेवा मृदगणा तिष्ठन्ति त्रयसंतु धर्म कामार्थ सिद्धये सर्वमंगलमंगल गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् गां गंगाधीश्मतीर्थेभ्यो नमो नमः लोट्टे दो पांच इतना जी एक आर पर कर बैठो बाद में आए रहूं तो गंधम विलेपयामि फूल द्रुपाय द्रुपचंद धूपदीपने विद्यम पुष्पं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि फूल तो गाइज आरुष का जो पूजा का प्रोसेस था मतलब प्रोसेस था बर्थडे का वो हो गया है। पंडित जी आए थे, उन्होंने पूजा वगैरह की एंड जो था वो आपने देख ही लिया है। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का और 9:30 बजे जा रही हूँ मैं आज जोर लाने। और मौसम कुछ ऐसा ही है कि लग रहा है कि सुबह ही है अभी। वैसे तो 9:30 बजे सुबह ही होती है बट हमारे यहाँ तक आधा दिन हो चुका होता है। सो अभी जा रही हूँ मैं दूध लाने एंड प्रसाद वगैरह दे आती हूँ बड़ी मम्मी और को नीचे गुड़िया वगैरह को। उसके बाद देखते हैं मम्मी डेकोरेशन वगैरह करेंगे और शॉप भी जाना था केक्स वगैरह लाने थे। अभी बहुत सारे काम हैं वो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेंगे तो लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा। सो गाइज नसराऊँ वगैरह फेंकते जाते हैं मतलब जब पूजा वगैरह होती है शनिदेव की पूजा वगैरह होती है बहुत कुछ होता है मतलब कुल इष्ट की पूजा होती है। जैसा आपने पूजा में देखा अगर आपने ध्यान से सुने होंगे मंत्र तो आपको पता लग गया होगा कि किस किस चीज़ की पूजा हो जाती है हमारे गांव कल्चर में। तो अभी जो है पूजा वगैरह हो गई और जो नसराऊँ होते हैं उनको मैंने चपाटे पे रख दिया है और प्रसाद जो है बड़ी मम्मी और को देने जा रही हूँ। और पेड़े बनाए जाते हैं गायों के लिए मतलब गाय के लिए 3 पेड़े बनाए जाते हैं वो है इस लिफाफे में जो मैं अभी गाय को खिलाऊँगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। सो गाइस अभी मैं ब्लॉग को करूँगी एंड क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा है। अगर
मैं इसी ब्लॉग में करने बैठूँ तो आधी चीज़ें मुझसे छूट जाएगी, तो मैंने सोचा है कि इस ब्लॉग को जो है दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँगी। जो मॉर्निंग का सुबह का पूजा वाला रूटीन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और शाम का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। और मौसम आप देख ही रहे होंगे कि कैसा हो रखा हुआ है, सारे में बारिश, कीचड़, पानी, हालत ख़राब थी दोस्तों की भी, और क्या ही बताएं। सुबह से मतलब कामों में लगे हुए थे ना, फिर अंदर बाहर जाना होता है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा चिक-चिक सी लगती है कीचड़ वगैरह की। सो बस वही चीज़ें थी, और बहुत ही मुश्किल से हमने ये वाला बर्थडे मनाया आरुष का, क्योंकि लाइट भी नहीं थी हमारी रात से, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। पानी नहीं हो रहा था गर्म नहाने के लिए, चूल्हे वगैरह गीले थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। सो नेक्स्ट ब्लॉग जो है आपको आरुष के बर्थडे के केक कटिंग का मिलेगा। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, नहीं ब्लॉग में।